और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा कि तुमने तो मांग की थी कि मुस्लिम महिलाओं को सिलाई मशीन सिखाने की ट्रेनिंग, उसको सर्टिफिकेट, और जब काम सी ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, हर महिला को एक सिलाई मशीन मुफ्त में महाराष्ट्र की सरकार है। तो ये देखे जा रहा हूँ 100 करोड़ रुपए पूरे महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए। कल महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सेशन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी ने पास किया। मैंने सबसे पहला ये ऐलान आपके इस प्रोग्राम में किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जितने ज्यादा यहाँ की महिलाओं को उससे एनरोल करेंगे, आपकी हर महिलाओं को ट्रेनिंग भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे और मुफ्त में सिलाई मशीन भी देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बात हो रही थी मौलाना आजाद कॉरपोरेशन की, मुझे किसी ने कहा कि यहाँ का MLA है उसके खिलाफ खूब बोलो, उसको गाली बको, उसके बारे में उसने जो काम नहीं किया है। देखिए ऐसा है कि गाली बकता हम लोगों का काम नहीं है, हम लोग तो आपका दिल जीत करके या यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतना चाहते हैं। किसी को बुरा बोल करके, जो बुरा है उसके बारे में हम क्या बुरा बोल करके अपनी जबान खराब करें। 15 साल वो यहाँ पर MLA रहा, उसने क्या किया ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज पता है, अभी फकीर साहब और नूरुद्दीन साहब एक ही काम यहाँ के आमदार ने 15 साल में किया कि हमारे मुस्लिम नौजवानों के ऊपर झूठा केस दर्ज कराने का काम किया। लेकिन मैं आज के इस मंच के माध्यम से यहाँ के आमदार को एक बार एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि आज के बाद मुमरा का कोई भी नौजवान को तुम फंसा के दिखाओ, तुम्हारे गर्दन पर शिकंजा कसने का काम हम लोग नहीं लेना चाहिए। मुझे याद है 4 महीने पहले मैं आया था यहाँ पे कब्रिस्तान का मामला लेकर के, जब मैंने मुस्लिम समाज के लोग उसके पास गए तो उसने किस तरीके का गाली देकर के उनको बुलाया था। मैं तो कहता हूँ तुम हमारे समाज को गाली देते हो, तुमसे बड़ा हरामी और गद्दार कोई नहीं है, तुमने हमारे समाज को धोखा देने का काम किया है। आने वाले चुनाव में तुमको हमारे समाज किस तरीके से सबक सिखाएगा वो देख रहे हैं। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, खास करके मेरी बहनों से, 50 सालों से कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोगों ने हमारे समाज को से बदतर हालत में पहुँचा है। 5 लाख रुपए तक का कारोबार करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देता है आपको। अगर टूरिस्ट व्हीकल खरीदना है, चाहे वो रिक्शा हो, टैक्सी हो, ओला, उबेर, मेरू, सारो चीज़ों के लिए 5 लाख रुपए का हम लोन देते हैं। और अभी हमारा लोन सिर्फ 5 नहीं बल्कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख और 1 करोड़ रुपए तक का अल्पसंख्यक समाज के लिए हमने उसकी शुरुआत की है। साथ ही साथ केंद्र और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है जो माइनॉरिटी को सीधा सीधा मिलनी चाहिए, उन सब योजनाओं को हम उस ऑफिस के माध्यम से मुमरा के लोगों के लिए शुरुआत करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को सारी बुनियादी सहूलतों से फायदा हो सके। सर, इस तरह से शिवसेना, युति और BJP का गठबंधन है, तो इससे जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में क्या आपके तरफ से कोई उम्मीदवार रहे? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय लेगी, उम्मीदवार का नाम वो तय करेगी। हमारा काम है काम करना। महाराष्ट्र में आज हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, और आप देखोगे 50-60 सालों से मुस्लिम मोहल्लों को पीछे रखा गया, हमको तरक्की, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखा गया। सिर्फ BJP, RSS और बाकी लोगों से डरा करके हमारे वोटों का इस्तेमाल किया गया। हम चाहते हैं कि लोग डरे नहीं, खुल करके आए, वोट जिसको देना है वो दे, वो चुनाव के समय वो फैसला करे। लेकिन आज जिनकी सरकार है सत्ता में, उनसे जो अपनी कौम के बच्चों के लिए, अपनी बेवाओं के लिए, अपनी औरतों के लिए, मर्दों के लिए जितनी योजनाएँ, उसका फ़ायदा उठाए ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। सर, जिस तरह से आज आपने अपने भाषण के दौरान आमदार के खिलाफ अभद्र भाषा का टिप्पणी किया, तो क्या ये कितना सही है? क्योंकि ऐसा है, मुझे मुमरा के लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई गरीब आदमी घर बनाता है तो आमदार अपने लोगों को भेज करके उसका घर तोड़वाने का काम करता है।
और जब तक उसको दलाली के रूप में पैसे नहीं देंगे तब तक वो उसको बनने नहीं देता है। अगर किसी को पानी का कनेक्शन लेना है तो चोरी का कनेक्शन लेना है और आमदार को दलाली देना है तब जा कर के वो पानी का कनेक्शन ले सकता है। रोड नहीं है, सड़क नहीं है, गली नहीं है, तो जो आदमी दलाली के पैसे लेकर के लोगों को गुमराह करता, लोगों से दलाली के पैसे खाता है, उसको क्या कहा जाएगा? दलाली कहा जाएगा ना। तो मुझे नहीं लगता कि अभद्र कोई शब्द है। जो जैसा काम करेगा जनता उसको उसी नाम से पुकारेगी। देखिए ऐसा है, आज आमदार कितने साल से है यहाँ पर? 15 साल से। 15 साल से हमारी सरकार थी क्या यहाँ महाराष्ट्र में? 5 साल हुए। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब, मैं उसका जवाब ही दे रहा हूँ कि 15 साल जिन लोगों को यहाँ की जनता को बुनियादी सहूलत, पानी, गटर, नाली, हॉस्पिटल, स्कूल, प्लेग्राउंड, ये बुनियादी सहूलत है, हर हिंदुस्तानी का ये हक हासिल करना उसका सिविक राइट्स है, लेकिन हमको वोट लिया गया, फिर डराया गया बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, तुमको मार देगी, भगा देगी, ये करेगी, और हमारे सारे बुनियादी राइट्स को ख़त्म कर दिए गए। हमारी महाराष्ट्र में जब से हुकूमत आई है पिछले 4.5 सालों में, देखिए आज बीजेपी के लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं ना, आज हर मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं, कब्रिस्तान वाले मुद्दे पर हमारे लोगों ने धरना दिया, उसी तरीके से सड़क के, गली के, नाली के, पानी के, जितनी भी बुनियादी सहूलत है उन सब पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे तरफ से जो भी मदद की ज़रूरत जब भी पड़ती है, यहाँ की जनता जब भी आती है, हम उसको उन अधिकारियों से मिला करके, उन मंत्रालय में ले जा करके और उनका काम तेज़ी से करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है अगर यहाँ के लोगों ने भी इस बार अगर आमदार बदलने का प्रयास कर दिया और आमदार को यहाँ से भगाया, छुट्टी किया, तो उनकी कोई बुनियादी सहूलत बचेगी नहीं, सारी सुविधाएँ उनको मिलेगी। सर आप कह रहे हैं कमीशन है, जो अल्पसंख्यक कमीशन है, तो दूसरी पार्टियों का दावा है कि मौलाना आज़ाद जो कमीशन है उसकी तरफ से कई जगह मैंने सुना भी है, देखा भी है, वो पूछते हैं किसी को कुछ मिला, तो शायद या तो लोगों को पता नहीं है या तो लोग इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और उसके अलावा एजुकेशन में जो इस वक्त हमारी कौम पीछे है, तो सर इसकी वजह क्या है? देखिए मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन के बारे में ये बात सही है कि आम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। 8 महीने पहले मैंने जब चार्ज लिया और मैंने पूरी जब सारी जानकारी ली, 2000 में मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन बना कांग्रेस राष्ट्रवादी की हुकूमत में, और आपको जानकर के हैरानी होगी कि 2000 से लेकर के 2014 तक, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले तक, सिर्फ 215 करोड़ रुपए दिए गए। कितने साल में? 14 साल में। हमारे समाज को कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाने का काम कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग और यहाँ के आमदार इन लोगों ने किया, लेकिन 8 महीने से लेके और आज तक हमने हमारे कार्यकाल में 178 करोड़ रुपए सिर्फ एजुकेशन पे दिए, तो उनका 14 साल का कार्यकाल हमारा 8 महीने का कार्यकाल उनके बराबर है। आपकी बात ठीक है सर कि अभी तक जो कुछ भी था वो सब जबानी था, क्या आपकी सरकार से ये उम्मीद की जाए कि जो कुछ वादे आपने किए? सब हमने वादा नहीं किया, हमने 178 करोड़ रुपया एजुकेशन लोन के लिए पिछले 8 महीने में दे दिया। आप कभी हमारे कार्यालय आए, आपको पूरा उसका डाटा हम दे सकते हैं, किस जिले में हमने किसको कितने पैसे दिए और किस लोन के तहत दिए हैं। आने वाले दिनों में भी, पिछले बजट में 3 महीना पहले हमारी सरकार ने सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए 465 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, वो भी आने वाले 3 महीनों में हम महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज को देंगे। सर अगर 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था बहुत ही खूबसूरत, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये नारा ज़मीनी स्तर पर तो कहीं पर नज़र नहीं है, साकार होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि देश के अनेक राज्यों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई जिसमें दलित और मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया, कई लोगों की हत्याएं की गई। अब 2019 में फिर नरेंद्र मोदी साहब ने एक नारा दिया है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये नारा नरेंद्र मोदी ने जो दिया है इस पर वो कितने खरे साबित होंगे और लोगों का विश्वास वो जीतने में सफल होंगे या नहीं? देखिए ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री
क्योंकि अगर आप भी सर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय को लेके अलग अलग राज्य से आपके जो भाजपा के जो नेता हैं वो विवादित बयान लगातार उनका सिलसिला विवादित बयान देने का लगातार जारी आप भी जारी। मैं आपको बता रहा हूँ, नेता बड़ा होता है या प्रधानमंत्री बड़ा होता है, पार्टी का मुखिया बड़ा होता है या कार्यकर्ता बड़ा होता है, लोगों को प्रधानमंत्री की सवाल पे सवाल नहीं करिए, क्यों नहीं होता है सवाल पे सवाल, मेरा बात को कंप्लीट होने दीजिए, सवाल पे सवाल मत करिए। प्रधानमंत्री अगर इस देश के कुछ कह रहे हैं, लोगों में मैसेज दे रहे हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास करना चाहता हूं, 130 करोड़ लोगों को साथ में लेके चलना चाहता हूं, तो समाज का भी हमारा रवैया उस तरीके का होना चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री कर रहा, किसी पार्टी का नेता नहीं कर रहा, तो उनकी बातों पर विश्वास करके अगर कोई 10 कदम हमारी तरफ आ रहा है तो 100 कदम हमको भी उसकी तरफ बढ़ करके जाना चाहिए। 55-60 सालों में हमारे समाज को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप उठा करके देख लीजिए कि कोई हिंदुस्तान का जिला नहीं बचा जहां बड़े दंगे नहीं हुए, जहां हज़ारों मुसलमानों को शहीद नहीं किया गया। अब मॉब लिंचिंग हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, पूरी पार्टी ने इसका विरोध किया और बार बार किया, खुद प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन आप एक मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारी सरकार पर सवालिया निशान या विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ बड़े दंगे होते थे, हज़ारों मुसलमान आज भी यूपी में, आप जो कौन सा जिला है वहाँ पर आज भी कैंपों में रह रहे हैं, इतना बड़ा फसाद कौन, मुजफ्फरनगर समाजवादी के दौरे हुकूमत में हुआ, तो आप उसकी बात नहीं करते। अगर कहीं पर कोई इस तरीके का 10-20 इंसिडेंट हुआ है, हम पूरी पार्टी उसकी मुखालफत करते हैं, खुद हमारे वजीर आला वजीर आजम ने कहा है कि इस तरीके का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। देखिए मुसलमान इस देश का उसी हाथ अंग की तरह है, जैसे एक हाथ हिंदू है तो एक हाथ मुसलमान है, एक बिना हाथ के कोई कंप्लीट आदमी नहीं हो सकता, वैसे ही बिना मुसलमान को लिए देश कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हमारी पार्टी की बिल्कुल एकदम क्लियर भाषा है, क्लियर संदेश है। अब समाज को भी चाहिए कि अगर कोई खुले दिल से इतनी बड़ी बात कह रहा है तो कुछ जख्म होंगे, कुछ बातें हैं जिसके वजह से मन दुख है, लेकिन घर में भी झगड़ा होता है, भाई भाई में, माँ बाप में, बेटी बहू में, तो लेकिन आप एक दूसरे से मेलजोल करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से अच्छा सवाल किया है, मुस्लिम समाज को अपील कहूँगा कि हमारी प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करें, हम आपका विश्वास जीत के रहेंगे और ये प्रोग्राम आज उसका ही नतीजा है कि इतनी बड़ी तादाद। आज ईद मिलन का प्रोग्राम था, आज पक्ष प्रवेश भी था काफ़ी लोगों का, 200 से 350 लोगों ने पक्ष प्रवेश किया और हैदर भाई आए, बहुत अच्छा लगा। हैदर भाई ने काफ़ी सारा मुमरा को तोहफा भी दिया कि जल्दी मौलाना आज़ाद की ऑफिस खुलेगी, यहाँ पर जो भी महिलाओं को, अगर महिलाएं सिलाई मशीन सीखती है तो उनको सिलाई मशीन मुफ्त दी जाएगी, ऐसे काफ़ी सारे उन्होंने आज बहन को गिफ्ट दिया है। तो मेरे को लगे मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और जितने भी लोग आज आए हैं पार्टी में उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका भी वेलकम करती हूँ और इसी तरह से आगे जोड़ के लोगों से काम करना है। और जहाँ तक मुमरा वासियों का और हमारे कौम का तरक्की की बात है जो रुकी हुई है सालों से, उस पर काम करना है और जो भी सरकार से बनेगा वो यहाँ तक ले आना है। तो ये जो हमारा इसके बारे में ऐसे लोगों का कहना है और दावे भी, कई दावे ये बोलते हैं कि इससे अभी तक मुसलमानों को हासिल नहीं हुआ हमारी कौम को, तो अभी जिस तरह से इन्होंने कहा है तो कुछ उम्मीद बंधी है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए हमारे लिए, तो क्या इसके इसके बारे में आपका क्या एक अश्योरिटी क्या है आपकी तरफ? इंशाल्लाह आगे आगे करूँगी और आप लोग देखोगे, यही अश्योरिटी देती हूँ कि आगे प्रैक्टिकल आपके लोगों के सामने करूँगी। अभी मुझे नहीं पता किसने कहा आपको, लेकिन मेरे सामने तो किसी ने नहीं कहा कि इससे फ़ायदा नहीं पहुँचा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जहाँ तक महाराष्ट्र में मैं गई हूँ तो वहाँ पर तो फ़ायदे पहुँचे हैं। नहीं मैम, ये सिर्फ आपकी पार्टी के लिए नहीं, ये तो बना तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस की गवर्नमेंट में, तो आपकी गवर्नमेंट ने वादा किया कि जो ये अधूरे काम रुके हैं पेपर पे आप उनको, काफ़ी सारी कामें हो रही है, काफ़ी सारी कामें होगी और जो भी मुमरा के लिए जो भाई ने कहा है वो भी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन में, स्कूलों की जो हालत आज मुमरा में है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल आप देखते होंगे, इतना बड़ा कैंपस पूरे थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, पूरे डिस्ट्रिक्ट थाने में किसी का नहीं, तो स्कूलों के सिर्फ दौरे करती है पार्टियाँ और कुछ काम नहीं होता वहाँ, सब अपनी पब्लिसिटी करके निकल जाती है, तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए?
मैं बहुत बहुत मुबारक की बात अपने को भी देती हूँ खुद को, क्योंकि पहले के जो हमारे मंत्री थे तावड़े साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी दूसरे मंत्री आए हैं आशीष शेलार साहब, उस उन पर इतनी यकीन है मुझे क्या वो स्कूलों के लिए इतना काम करेंगे क्या मुझे लगता है बिल्कुल क्या अभी उनके दौर में भी उतने सारे सब काम हो गए, और इंशाल्लाह हम भी इस पर पूरा गौर से ध्यान दे के पूरा काम करेंगे। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.